हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKSE क्लासेस में स्वागत है। हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन थ्योरी में अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय, अर्थात डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। मेरे पिछले लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने आपको डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी पढ़ाया था, जिसमें हमने लाभ पर आधारित तालिका के अनुसार विभिन्न निर्णय कसौटियों को समझा था, अर्थात पे ऑफ रिसीट्स के थे उसमें। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जब हमारे पास जो पे ऑफ दे रखे हैं वह कॉस्ट से संबंधित हों, लागत से संबंधित यदि डेटा आपके पास हों तो अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय हम कैसे लें। मैं दोनों चीज़ें आपको यहाँ कंपेरेटिव बताना चाहूँगा। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा था लाभ की स्थिति में, जहाँ मैंने 4 कसौटियाँ आपको निम्नलिखित बताई थी, जो लेक्चर नंबर 2 में आपको पुनः पढ़ सकते हैं। दोनों कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। नीचे वाले चार्ट में आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि लाभ तालिका अगर है तो हमारा पहला मेथड था आशावादी गुणांक का अधिकतम में से अधिकतम कसौटी, और अगर लागत तालिका है तो ये बदल जाएगी न्यूनातिन्यून कसौटी, अर्थात मैक्सिमेक्स जो था वो मिनिमम में मिनिमम में बन जाएगा। आशावादी गुणांक ये ध्यान रखना है। लाभ तालिका में दूसरी कसौटी मैंने आपको बताई थी न्यूनतम में से अधिकतम कसौटी, अर्थात मैक्सिमिन क्राइटेरिया। तो अगर आपके समग्र लागत से संबंधित हैं तो ये बन जाएगी अधिकतम से न्यूनतम कसौटी, अर्थात मिनिमैक्स क्राइटेरिया, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये, अर्थात यहाँ मैक्स था तो यह मिनी हो जाएगा, और मिनी था ये मैक्स हो जाएगा। तीसरी थी हमारी लाभ तालिकाओं में अधिकतम में से न्यूनतम विकल्प त्याग कसौटी, तो यहां पर भी सेम ही है, अधिकतम में से न्यूनतम विकल्प त्याग लागत कसौटी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अंतर दोनों में ये आएगा कि लाभ तालिका में आपने रिग्रेट इस प्रकार से निकाले थे, जो मैंने यहां दे रखा है मैक्सिमम पे ऑफ फ्रॉम एन अल्टरनेटिव माइनस पे ऑफ, ऐसे निकाले थे। और यहां पर हम क्या काम करेंगे कि जो पे ऑफ है उसमें से मिनिमम पे ऑफ बढ़ाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं आपको, अर्थात प्रत्येक जो इवेंट है उसका जो पे ऑफ है उस पे ऑफ में से आपको उस इवेंट का मिनिमम पे ऑफ आपको बढ़ा देना है, तो हमारे ये विकल्प त्याग लागत हमारी आ जाएगी। और फिर उसी प्रकार से हल करना है जिसे आपने लाभ तालिका में हल किया था। आशावादी गुणांक के बाद में हमने पढ़ा था हरवीज का आशावादी गुणांक अगर लाभ तालिका हो तो, और यहाँ मैंने बताया था आपको निर्णय वहाँ लेना है जहाँ पर मान सर्वाधिक हो, और अगर आपकी लागत तालिका है तो निर्णय वहाँ लेना है जहाँ हरवीज का मान न्यूनतम हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए लागत से संबंधित समंकों को हल करके बताना है। तो आप समझ गए होंगे हमारी 4 कसौटियाँ होगी, न्यूनातिन्यून कसौटी यदि डेटा हमारे कॉस्ट से रिलेटेड है, अधिकतम से न्यूनतम कसौटी, अधिकतम से न्यूनतम विकल्प त्याग लागत कसौटी, और हरवीज का आशावादी गुणांक। इन चारों को हम कैसे समझें ये क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको सॉल्व करके बताना चाह रहा हूँ। लागत समंकों से संबंधित निर्णय तालिका निम्नलिखित है। ये लागत समंक है हमारी कॉस्ट डेटा है। कल का जो मैंने क्वेश्चन कराया था लेक्चर नंबर 2 में वो लाभ समंक थे। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो पहले देखना है कि ये कॉस्ट डेटा है या ये प्रॉफिट डेटा है। प्रॉफिट डेटा है तो लेक्चर नंबर 2 के हिसाब से करना है, और कॉस्ट डेटा है तो लेक्चर नंबर 3 के आधार पर अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय निकालना होता है। तो हमें देख के स्टेट ऑफ नेचर S1 S2 S3 S4 और अल्टरनेटिव A1 A2 A3 और A4 और फाइंड द बेस्ट अल्टरनेटिव यूजिंग न्यूनातिन्यून कसौटी, अधिकतम से न्यूनतम कसौटी, अधिकतम से न्यूनतम विकल्प त्याग की कसौटी, और हरवीज गुणांक यदि 0.6 हो तो कैसे हल करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है लागत से संबंधित, और अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय हमें करना है। आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिए, चाहे हमारे लाभ गुणांक हों, चाहे कॉस्ट गुणांक हो हमारे, चाहे लागत के गुणांक हों, जब भी हम अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय हल करें तो जब भी सॉल्यूशन तालिका बनाएं तो आप ये याद रखना कि ये जो कॉलम होते हैं ऐसे, इस कॉलम में सदैव ही आपको अल्टरनेटिव लेने हैं, ये ध्यान रखना। और जो ये रो है हमारी ऐसे ही रो पंक्तियाँ, इनमें सदैव ही इवेंट्स लेनी है, अर्थात स्टेट ऑफ नेचर सदैव ही रो में आएंगे, और जो अल्टरनेटिव है वो हमें सदैव कॉलम में लेने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो मेथड है वो रॉन्ग हो जाएगा, और आपकी डिसीजन है वो भी रॉन्ग हो जाएंगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में पहले मैं इसको सॉल्यूशन जब बनाऊंगा तो कॉलम की रो बनाऊंगा और रो की कॉलम बनाऊंगा, ताकि हमारा डिसीजन सही निकल सके।
मैं इस भाग में आपका सॉल्यूशन दिखाना चाह रहा हूं। देखिए मैंने लिखा कॉस डेटा और अल्टरनेटिव ए वन ए टू ए थ्री ए फोर स्टेट ऑफ नेचर एस वन एस टू एस थ्री और एस फोर। हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम इसको चेंज करें। अल्टरनेटिव हमारा ए वन था एक तीन आठ और पाँच, एक तीन और आठ और पाँच, तो एक तीन आठ और पाँच ऐसे लिखने। ए टू का मान है दो पाँच चार सात, दो पाँच चार और सात। ए थ्री का मान है चार छः छः तीन, चार छः छः और तीन। और ए फोर का है छः आठ तीन और पाँच। इस तरीके से आपको क्वेश्चन चेंज कर लेना है। अब हम आते हैं अल्टरनेटिव्स रिग्रेट डेटा में। तो रिग्रेट डेटा में आपको चार ऑप्शन है ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर। अब रिग्रेट डेटा कैसे निकालें समझिए। आपको ये जो रो दे रखी है ये हमारी स्टेट ऑफ नेचर है। इसमें आपको मैंने फोन लिखा है कि पे ऑफ जितने भी आपके माइनस मिनिमम पे ऑफ करना है। तो मिनिमम देखिए इसमें पहले में एक है तो एक को सब में से घटा दो। तो एक में से एक गया, जीरो दो में से एक गया, एक चार में से एक गया, तीन और छः में से एक गया, पाँच। तो इस संख्या आ गई हमारी जीरो एक तीन और पाँच। सेकंड में आ जाइए आप ठीक इसी प्रकार से। सेकंड में सबसे छोटा तीन है तो तीन में से तीन गया, जीरो पाँच में से तीन, दो छः में से तीन, तो तीन बच गई, आठ में से तीन पाँच बच गई। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा मान तीन है तो आठ में से तीन गया पाँच, चार में से तीन गया एक, छः में से तीन गई तीन, तीन में से तीन गया जीरो, तो पाँच एक तीन जीरो आया। और इसमें सबसे छोटा मान आप देख रहे यहाँ भी तीन है तो पाँच में से तीन घटाए दो, सात में से तीन घटाया चार, तीन में तीन गई जीरो और पाँच में से तीन गई दो, तो हमारा मान आया दो चार जीरो दो। तो डेयर स्टूडेंट इतना काम करने के बाद हम बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ एक अंडरलाइन कर दूँ। हमारा पहला मेथड है वो है न्यूनाती न्यून। तो हमें प्रत्येक में न्यूनतम निकालने। तो देखिए इसमें न्यूनतम आपने देखा एक है, इसमें आप न्यूनतम देखिए एल्टर टू में दो है, ए थ्री में न्यूनतम आप देख रहे हैं कि तीन है और ए फोर में न्यूनतम देख रहे हैं आप तीन है। तो ये हमने न्यूनतम मान निकाल लिए। दूसरा मेथड हमारा है अधिकतम से न्यूनतम का। तो आपको अधिकतम निकालने जो कोस डेटा उसमें अधिकतम मान देखिए। पहला मान है अधिकतम आठ, ए टू में अधिकतम मान है सात, ए थ्री में अधिकतम मान है छः और ए फोर में अधिकतम मान है आठ। तो ये हमने अधिकतम मान निकाल लिया। अब आ जाइए आप रिग्रेट तालिका में। रिग्रेट तालिका में भी आपको देखना होता है अधिकतम से न्यूनतम, तो अधिकतम देखना है। तो मैं अधिकतम वाले सामने लिख रहा हूँ। अधिकतम आप देख रहे हैं इसमें लॉस पाँच रुपये का है, यहाँ अधिकतम चार रुपये का है, ये अधिकतम तीन रुपये का है और अधिकतम पाँच रुपये का है। तो ये काम भी हमने कर लिया। अब हम डिसीजन निकालते हैं अलग अलग मेथड से। हमारा पहला मेथड था न्यूनाती न्यून कसौटी से हल करिए। तो न्यूनाती न्यून में हमने न्यूनतम लागत निकाल ली और न्यूनतम में भी आप देखिए न्यूनतम कौन सा है, मैं उसको टिक लगा रहा हूँ। तो न्यूनतम में न्यूनतम आप देख रहे हैं कि एक है, एक है और कौन से ऑप्शन में है ए वन में है। तो न्यूनाती न्यून विकल्प से आपको विकल्प ए वन का चयन करेंगी। अगर हमारे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए वन ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें लागत हमारी न्यूनतम में से न्यूनतम हमने ली है। दूसरा है अधिकतम में से न्यूनतम कसौटी। तो अधिकतम कॉस्ट हमने छांट ली है प्रत्येक अधिकतम और अधिकतम में से न्यूनतम देखना है। तो अधिकतम से न्यूनतम आप देख रहे हैं कि ये छः रुपये है और ये ए थ्री में है। तो यहाँ पर आपको सेकंड विकल्प में ए थ्री का चयन करेंगे। अगर हम आशावादी से हल करते हैं तो ए वन, निराशावादी विकल्प का हल करते हैं तो ए थ्री से हम हमारा विकल्प का चयन करेंगे। ए थ्री विकल्प हमारे बेटर होगा। और विकल्प चार से हल करें आप, इस तालिका से हल करें तो आपने बताया कि इसमें हम अधिकतम से न्यूनतम बात करते हैं तो ये अधिकतम है ना, और अधिकतम से न्यूनतम देखें तो ये तीन रुपये है, ये तीन रुपये कॉस्ट है। तो विकल्प हमारा ए थ्री का चयन करेंगी। चौथा है हरवीज। तो ए वन में अधिकतम है आठ, ए टू में अधिकतम है सात, ए थ्री का अधिकतम है छः और ए फोर का अधिकतम है आठ। तो अधिकतम को आपको गुणा करना है हरवीज गुणांक से, ये पॉइंट छः
प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। और न्यूनतम देखिए, न्यूनतम छान रखी हमने, न्यूनतम है 1, 2, 3, 3। और न्यूनतम को आपको हर बीज के गुणांक को एक में से घटा दो, तो एक में से घटा दिया हमने 0.6 कम कर दिया, तो ये 0.4, 0.4। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका मान निकाल लीजिए। तो हर बीज से हमने मान निकाल लिया 5.25, 4.8 और 6। तो न्यूनतम मान कहाँ आता है? न्यूनतम यहाँ आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हर बीज का क्वेश्चन से भी हम विकल्प A3 का चयन करेंगे। तो डिस्ट्रेन, इस प्रकार से लागत समांकों के आधार पर हम हमारे क्वेश्चंस को अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय में बहुत आसानी से हल करके दिखा सकते हैं। आपको फर्क इतना ही है कि लागत समांक हैं तो जो कसौटियां आपने लाभ में पड़ी थी उनसे अपोजिट हो जाती हैं, आशावादी और निराशावादी। और जहां हम विकल्प त्याग की लागत निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला पे ऑफ में से मिनिमम पे ऑफ घटता है, और लाभ तालिका में हम मैक्सिमम पे ऑफ में से अन्य पे ऑफ घटाए थे। और हरबीज गुणांक में हरबीज गुणांक अगर आपको हल करना है तो लाभ तालिका में अधिकतम का चयन किया था हमने एच का मान, और लागत तालिका में न्यूनतम का चयन करना है। तो इस आधार पर आप अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय ले सकते हैं। आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी बुक में बहुत सारे दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और मेरे कल के लेक्चर में मैं आपको जोखिम की स्थिति में निर्णय पढ़ाऊंगा, अर्थात डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। जोखिम अगर हो तो किस प्रकार से हम निर्णय लें, ये आपको कल के लेक्चर में पढ़ना है। तो मेरे लेक्चर कंटिन्यू आप वॉच करते रहिए। और डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल यहाँ में लिख रहा है SKSE क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास प्रतिदिन नए नए वीडियो हमारे प्राप्त होते रहेंगे। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।